फाइनली फ्रेंड्स अभी बारी है दूसरे बोर्ड की। सो दूसरा बोर्ड हमने सेलेक्ट किया है, हमने सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि जो गंभीर फॉल्ट है वो थोड़ा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा फ्री से थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है जो बोर्ड है वो पहले हम रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो दूसरा जो बोर्ड हमने सेलेक्ट किया, पहला जो बोर्ड मैंने सेलेक्ट किया वो मैंने बना दिया है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा बोर्ड हमारे पास आया है 1506C में DDR2 और AV कार्ड 2018 मॉडल में, ठीक है, 2.1 मॉडल इसका। सो आपको मैं दिखा दूंगा, आज हम इसको रिपेयर करेंगे। सो उसका जो कंडीशन है वो रेड लाइट में, सो उसका जो पैनल है वो भी दिया हुआ है, सप्लाई भी अंदर दी हुई है, एक बोर्ड के अंदर सारा सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको मैं दिखाऊंगा। सो दिखाने से पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छी सी प्यारी सी कमेंट डिस्क्रिप्शन में भेज दीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, ठीक है। सो चलिए आपको मैं बोर्ड दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये वाला बोर्ड है, सो मॉडल आप क्लोजली देख लें, ठीक है, 1506 DDR AV 2018 V2.1, ठीक है। सो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, पहले आपको मैं इसकी कंडीशन दिखा दूं और सारा बोर्ड आप देख लें। तो ये देख सकते हैं बोर्ड, इसका जो पैनल है वो यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। सो LED जो है रेड लाइट शो हो रही है, आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइट ऑन हो रही है और कुछ ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये भी पार्सल के साथ आया था, पंजाब साइड से हमारा एक सब्सक्राइबर है, यूट्यूब सब्सक्राइबर, उसने भेजा है दोस्त ने हमें। सो इसमें रेड लाइट का है इशू। सो अभी हम इसको सोल्व करेंगे, पहले हम इसके वोल्ट की मेजरमेंट करेंगे। सो आप देख सकते हैं इसका जो बोर्ड है, ये वाला बोर्ड सप्लाई के साथ साथ है, मदरबोर्ड सप्लाई सारा सिस्टम इसमें एक में दिया हुआ है। सो कंपनी ने जगह बचाने के लिए और सारा सिस्टम एक चीज़ में अंदर दे दिया है, सिर्फ ये चीज़ जो है भूल गए थे इसके अंदर देना, तो उसका काम था ये भी इसके साथ दे देते, तो ये वाला जो सर्किट अलग से वायर कनेक्ट ना करनी पड़ती। खैर वो तो कंपनी का मसला है, हमारा नहीं। सो आज हम इसको रिपेयर करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है। सो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, ऐसा नहीं आप अपना काम निकाल के भाग जाएँ, ऐसा आपके पास बोर्ड है जिसमें फॉल्ट है। सो आपकी फॉल्ट ट्रस्ट करने से पहले आपको ये मेरी जो यूट्यूब चैनल है वीडियो है जो भी देख रहे हैं उसको रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाजमी पूरी देखें, ताकि वीडियो पूरी देखने से आपका जो प्रॉब्लम है और शायद इस प्रॉब्लम में सिम जो वीडियो है उससे आपका हल हो जाए, ठीक है। सो अभी मैं रिपेयर करता हूँ इसको, पहले इसके वोल्ट मेजरमेंट करते हैं क्या वोल्ट कहाँ कहाँ कितने कितने आ रहे हैं देखते हैं, फिर इसकी जो है ऑपरेशन करेंगे। क्या कर दिए मैंने वीडियो को रख दिए साइड पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं मीटर के लिए जगह बनाता हूँ, कहाँ से बनेगी मीटर के लिए जगह, कैसे मीटर के लिए जगह बनाऊँ। अबे तू इधर का मोबाइल जरा इधर ले, इधर दे। सो अभी हम करने लगे हैं इसके वोल्टेज मेजरमेंट। सो मैं पावर इन कर लिए, सो आप देख सकते हैं ये LED ग्लो हो रही है, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ उसके वोल्ट। सो पहले हम सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद दूसरे वोल्ट चेक करेंगे। सो पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई जो है 5 वोल्ट दे रही है, ठीक है। दूसरी सप्लाई कहाँ से वोल्ट कितने दे रही है, सो यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं, ओवरलोड हो गया, यहाँ पर 20 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 9 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैं ये कैपेसिटर का निकल गया है, इसको 1 मिनट लगा देता हूँ। तो ये वोल्ट इसमें 9 वोल्ट आ रहे थे, 15 वोल्ट
और यहाँ पर 20 वोल्ट, ठीक है। सो अभी ये वोल्ट सही हो गए, 5 वोल्ट भी इसमें आ रहे हैं। अभी ये मॉस्फेट लगा हुआ है, ये हमें कितने देर वोल्ट दे रहा है, सो वोल्ट ये दे रहा है 3.3, ये मॉस्फेट जो है 3.3 वोल्ट दे रहा है। और ये मॉस्फेट देखते हैं कितने वोल्ट दे रहा है, ये 1.8 वोल्ट मॉस्फेट दे रहा है। और ये मक्खी चिप कितने वोल्ट दे रही है वो चेक करते हैं, सो 1.3 वोल्ट दे रही है, मक्खी भी सही है इसकी। और ये स्टार्टर ट्रास्टर लगा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं क्या लगा है इसमें, 0S9 इसके नंबर है, सो इसकी आउटपुट सही है, इनपुट भी सही है, ठीक है। सो ये स्टार्टर ट्रास्टर भी सही है इसका, और बाकी वोल्ट भी इसके सही है। सो अभी हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, क्लोज़ करके इसकी रेस्टिंग वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ और मीटर को रख देता हूँ उन पर, और अभी सारी रेस्टिंग हम चेक करेंगे, सारी रजिस्टरें जो 56560 नंबर की लगी हुई हैं ये वाली ओम्स में, इसको सारों को चेक करेंगे। सो अभी हम ये रजिस्टरें चेक करेंगे सारी एक नंबर वाइज, ये एक नहीं बता रही, 55 बता रही है, 56 की होनी चाहिए थी, 55 बता रही है, ये भी 55 बता रही है, और ये भी 55 बता रही है, इसमें से एक बता नहीं रही, ये भी 55 बता रही है, ये भी 55 बता रही है, सो ये भी ओके, इसकी भी ये फर्स्ट वाली नहीं बता रही, ये बता रही है, ये बता रही है, ये बता रही है, तो इसमें एक ये वाली और ये वाली, इसमें फर्स्ट वाली ये दोनों ख़राब हैं, तो उसको चेक कर लेते हैं हम, इसकी फर्स्ट सही है, सेकंड 55, ये भी 55, ये भी 56 वोल्ट बना रही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सो ये दोनों ओके हैं, इसमें से एक ये ख़राब है, एक ये ख़राब है, सो इस दोनों को हम चेंज करते हैं, चेंज करके देखते हैं चलती है कि नहीं। सो ये हम दोनों को निकालते हैं पहले, इसको भी निकालते हैं और ये वाले भी निकालते हैं, ओ मथे पे आपके पास ये न्यू है तो न्यू लगा दो, और अगर पुराने किसी बोर्ड में निकाल कर लगाना चाहते हो तो फिर आप उसको चेक करके फिर लगाएं। सो वॉइस का एडजस्ट कर लें दोस्तों, ये वॉइस थोड़ा सा कम हो शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि अभी माइक जो है वो चार्ज नहीं था, सो मैं इसकी वजह से यूज़ नहीं कर रहा हूँ माइक। बस वो अच्छे है बस। सो भाई लोग, अब मैंने रेस्टोरेंट्स के लगा दिए, तो पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि इसकी जो सफाई वगैरह वो सही से हो जाए और हमें अच्छा भी लगे काम करने में, ठीक है। सो इसमें रेस्टोरेंट मैंने लगा दिए, एक्सचेंज कर लिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लें। अभी हम चालू करके चेक करेंगे कि और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, सो लगता तो नहीं है मगर चेक करेंगे। सो दोस्तों देखें ये ऑन हो चुका है, प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम जो थी वो इन रेस्टोरेंटों की थी, सो यस। अभी हम इसको टीवी के ऊपर चेक करेंगे, देखते हैं ऑन जो टीवी डिस्प्ले देता है कि नहीं। सो फाइनली फ्रेंड्स, रिसीवर रेडी हो चुका है दूसरा भी। सो आपको मैं कंडीशंस की दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लास्ट वाले जो बोर्ड रहते हैं उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और दूसरे जो बोर्ड है वो मैं भेज दूँगा, सो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। सो हो सके तो आप वहाँ पर भी जाइए, अपना जो है इजाज़त देखिए, उसका यूट्यूब का जो रिपेयरिंग है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। सो आपको मैं इस फिलहाल कंडीशन दिखा दूँगा उस बोर्ड की, दोस्तों ये देखें
सीवर जो है अभियान पर आ चुका है, ठीक है, सर्चिंग हो रही है इसके अंदर। सो दोस्तों देखें ये सर्चिंग हो रही है इसके अंदर, हम 79 चैन उठा लिए इसके। अरे हिला नहीं इसको, चेक हो गया। सो 5 8 पर चेक करा हुआ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 8 पर, ठीक है।